स्टूडेंट, तो अभी हम लोग लास्ट में देखे थे कैसे हम लोग साइड व्यू बनाते हैं, 45 डिग्री पे उसको रोटेट करते हैं। अब जो आगे हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो सारा क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, हमने जितना भी कॉन्सेप्ट लिया और मैं कोशिश किया हूँ कि जितना भी कॉन्सेप्ट होता है इसका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मैं देने का कोशिश किया हूँ। और चाहता भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ताकि आपको प्रॉब्लम कम आए। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ये वीडियो सेशन है और इसमें अगर आपको कम प्रॉब्लम होगा तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर सामने अगर क्लासरूम रहता तो आप डायरेक्ट फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा क्लियर हो जाए। एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ अभी, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो एक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये क्या है आपका, एक पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट सोन इन फिगर। एक आपके पास 3D व्यू दिया हुआ है, पिक्टोरियल व्यू दिया हुआ है। ठीक है, जो कि डायमेंशन देख लो, ए बी सी डी ये है आपका। ठीक है, ई एफ एच। एच क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर ये 3D होता, देखो ध्यान से, अगर ये 3D होता तो आपको इसको बैक में अगर कुछ ऐसा मैं कर दूँ, ऐसे देखो यहाँ से ये ऐसे लाइन कर दूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, जी ऐसा ही होगा, बिल्कुल 3D में अगर देखना चाह रहे हो। क्लियर है, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये मैं मान लिया कि यहाँ पे एक 3D व्यू है जो कि सारे डायमेंशन दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि देखो ये डायमेंशन कितना है, 50। अब देखो अब यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ कि सेंटीमीटर है, mm है कि क्या है। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही ले लिया हूँ कि 50 है, ये 40 है और ये 30 है। आप यहाँ पे ले सकते हो सेंटीमीटर, mm, कुछ भी ले लो। ठीक है, इंच भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने 50 लिया है, 40 लिया है और ये 30, क्योंकि ये बोर्ड है। ठीक है, हमारे पास अभी सीट नहीं है कि हम एग्जैक्ट डायमेंशन किसके साथ करें। आपके पास सीट है, वहाँ पे आप एग्जैक्ट डायमेंशन लेना। ठीक है, उसके बाद आप स्केल डिसाइड कर लेना, जो कि आप स्केल देख लियो यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, अब स्केल डिसाइड करने के बाद आप ड्रॉ करना। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे 50 है और ये 40 है और ये 30 है, मान लो ये सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या क्या ड्रॉ करना है हमें, एक तो फ्रंट व्यू देखना है फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब ये देखो, ये है आपका एक्स, ये वाई। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन से, ऐसे कहने का मतलब कि एक्स डायरेक्शन से हमें क्या देखना है, फ्रंट व्यू देखना है। तो आपको फ्रंट कौन सा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, टॉप व्यू देखना होगा तो कौन सा होगा एरिया, ये हो जाएगा। ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। क्लियर है, ये टॉप हो गया। और क्या देखना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखना है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये जो एरिया दिख रहा है ए ई एच डी, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। ठीक है, अभी मैं इसके बाद राइट हैंड साइड व्यू भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो चलो पहला देखो, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या कर लेना है कि एक्स वाई लाइन ले लेना है आपके पास। क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है आपको एक्स वाई लाइन। देखिए अब मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये एक्स वाई लाइन है, ये x है और ये y है। ठीक है, तो आपको पता है जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं तो मैं अच्छे से बताया हूँ कि जो ये फ्रंट व्यू होता है ऊपर में, उसके नीचे क्या आता है, टॉप व्यू। अब जब लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में आता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ऐसा कुछ बनेगा आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, अगर यही राइट साइड बनाते राइट हैंड साइड व्यू तो ये इधर हो जाता। ठीक है, ये राइट हैंड साइड व्यू, ये कौन सा एंगल है, देखो फ्रंट व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू के नीचे क्या आएगा, टॉप व्यू। इधर क्या आएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू बन रहा है बोल रहा है तो किधर बनेगा, फ्रंट व्यू के राइट साइड में। अगर राइट हैंड साइड व्यू बोल रहा है तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। इतना क्लियर है आपके पास। ठीक है, ये कौन सा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और आप यूज अभी कौन सा करने वाले हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखो ये हॉरिजेंटल का एक्स वाई लाइन हो गया। अब मैं एक वर्टिकल का भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो एक वर्टिकल का एक्स वाई लाइन होगा, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स वन और ये मान लिया वाई वन। ठीक है, वो एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स वन वाई वन, यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला आपको काम क्या करना था, एक्स वाई लाइन ले लेना है। ठीक है, अब देखो अब डायमेंशन देखता हूँ मैं। तो आपको इतना तो पता हो ही गया है कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू किधर बनेगा। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट आपका फ्रंट व्यू होगा यहाँ बनेगा, उसके नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से 45 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो बनाते हैं। देखो
ये कितना दिया हुआ है, पहले स्टार्ट करो बेस से, क्योंकि ये बेस अगर यहाँ से देख रहे हो तो फ्रंट से देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से देखते हैं हम लोग फ्रंट साइड से। ये हो गया आपका फ्रंट, फ्रंट साइड से अगर देख रहा हूँ तो आपको दिखेगा ए बी सी डी, यही दिखा ए बी सी डी। तो देखो सी डी का डायमेंशन कितना है, 50 है, और आपको क्या चाहिए फिर उसके बाद 40, ये भी 50, ये भी 40, क्लियर है, ये 50 50, 40 40, क्लियर है। तो अब मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो बेस बन गया, ये एक्स, देखो कोई भी अगर डायग्राम बनाना, एक्स वाई लाइन लेना, तो उससे कुछ सेंटीमीटर ऊपर कुछ सेंटीमीटर नीचे, जैसे अब मान लो कि यहाँ से हमने ले लिया, अभी ऐसे ही बता दो जनरल कि 10 सेंटीमीटर पे ऊपर चले गए, 10 सेंटीमीटर नीचे चले गए, क्लियर है, 10 सेंटीमीटर नीचे चले गए, क्लियर है। अब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लेना, ऊपर वाला और नीचे वाला, क्लियर है। देखो ध्यान से समझो कि ये एक्स वाई लाइन क्यों बना रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपका कोई भी डायग्राम जो भी बनाओ वो क्या हो, एकदम क्लियरली व्यू हो जाए, ठीक है ना। ये डायमेंशन आप कुछ भी ले सकते हो, ताकि आपका जो भी डायमेंशन बने वो क्लियर बने। अब देखो मान लो इसी लाइन पे दोनों बना दोगे तो क्या होगा, एक ही में आपका मर्ज हो जाएगा, तो आपको क्लियर व्यू नहीं दिखेगा। तो कोई भी एक जब डायमेंशन स्टार्ट करो तो कुछ ऊपर से स्टार्ट करो, ठीक है, यहाँ से सम डिस्टेंस नीचे और यही दोनों बराबर ले लो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दो एक और डाउट आता है बच्चों लोग का कि सर पेंसिल कौन कौन सा यूज होना चाहिए, है ना, ये आप पहले भी पता होगा, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि दो ही आप लोग यूज करें, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर मान के चलो जो डार्क, डार्क कहने का मतलब एक होता है डार्क, ठीक है, अगर डार्क की बात करोगे, डार्क क्या होगा, जैसे लेफ्ट साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने के लिए आप डार्क पेंसिल यूज करोगे। और जो प्रोजेक्टर्स लाइन होते हैं वो उसका क्या होता है, फेंट होता है, ठीक है ना, फेंट मतलब हल्का होता है, ये क्या हो गया, गाढ़ा हो गया और ये हल्का हो गया। इसके लिए आप यूज करना डार्क के लिए एच पेंसिल यूज कर लेना, ठीक है, और फेंट के लिए आप लोग यूज कर लेना 2H पेंसिल, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लो, दो ही पेंसिल यूज करो सिंपल, डार्क के लिए H, फेंट के लिए 2H, क्लियर हो गया, चलो लिख लेना इसको, ठीक है, H और 2H यूज करना है हमें, ठीक है। चलो अब बनाते हैं हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो ये 50 और 40, चलो तो फर्स्ट क्या करो, यहाँ से कुछ डायमेंशन ऊपर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ से हमने माना कितना कि यहाँ से 50 सेंटीमीटर्स का हमने मान लिया है कि ये कितना है, 50 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है, आप ले लेना अपना डायमेंशन, मैं केवल 50 ले रहा हूँ, ठीक है, 50 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया, आपके पास बेस तैयार है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर कितना जा रहा है, 40, चलो ऊपर हमने ले लिया कितना, 40। ये सब किस पेंसिल से बनाओगे, डार्क पेंसिल से, डार्क कौन सा, एच पेंसिल से, ठीक है, ये हो गया आपके पास 40, यहाँ तक क्लियर है, 40 हो गया, ठीक। अब देखो इसका, अब देखो ये डायमेंशन हो गया, ये हो गया, ये भी कितना आपके पास पता है, ये भी कितना होगा 50, ये भी हो गया आपके पास कितना 50, ये भी हो गया 50, और ये कितना है 40, यहां से बना लिया 40, ठीक, ये भी 40 50, समझ गए। अब देखो ये डार्क पेंसिल यूज करना है, आपके पास क्या आ गया, आपके पास फ्रंट व्यू आ गया, ये आ गया आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब देखो अब आपको क्या करना है, पहला काम करना कि इसको आप नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर दो, प्रोजेक्ट करने का मतलब जितने भी रे ऑफ साइट होते हैं, तो रे ऑफ साइट क्या होगा, इसके कॉर्नर्स पे ही होंगे, तो आप क्या कर दो, इसको सिंपल जो 2H पेंसिल है उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है, हल्की पेंसिल से, यहाँ से हमने हल्का पेंसिल से नीचे की ओर प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो क्यों प्रोजेक्ट कर दिया, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको बताया था कि साइड व्यू और टॉप व्यू में क्या कॉमन होता है, ये वाला लेंथ कॉमन था, याद है ना, ये वाला कॉमन था, आपको डिटेल में बताया था अभी इससे पीछे लेक्चर में, ठीक है। तो ये देखो कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब ये 50 है तो यहाँ भी कुछ 50 आएगा। देखो अब टॉप देख रहा हूँ मैं, टॉप देख रहा हूँ तो आपको ये दिखेगा ए बी ई ई एफ, ए बी ई एफ, ये दिखा, इसका डायमेंशन कितना है 50, यानी कि एक 50 का लाइन यहां पे आएगा, ये 50 का लाइन यहां पे आ गया, ठीक है, 50 लाइन आ गया। इधर कितना है आपके पास, 30 है, यहां से कितना गया, ये 30 गया, ठीक है, ये भी कितना है 50 है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझ लेना है, ये हो गया 50, क्लियर है, ये 30, यानी कि ये हो गया 50, ये हो गया 30, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो दो चीज़ बन गया, ये क्या बन गया आपके पास, टॉप बन गया, टॉप व्यू,
ये हो गया फ्रंट व्यू। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मेन चीज यही है कि साइड व्यू कैसे बनाए। तो आप क्या करो, जो 2H पेंसिल है उसको पहले प्रोजेक्ट करो। प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि इसको देखो, ये कॉर्नर को इधर प्रोजेक्ट कर दो, ठीक है। इसको रे ऑफ साइड से हमने क्या कर दिया, इसको इधर की ओर प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक, प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ से भी क्या कर दो, इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दो इधर, ठीक। हल्की पेंसिल से क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे। आपको पता है कि कैसे करते थे कि टॉप व्यू को हम लोग क्या कर दिए थे, 45 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो क्या मिल जाता है उसका, लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर से, या फिर इधर से प्रोजेक्ट करोगे 45 डिग्री पे तो क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड व्यू। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो करते हैं इसको। देखो पहले इसको भी प्रोजेक्ट कर दो यहाँ से, यहाँ से ये हल्की पेंसिल से यहाँ प्रोजेक्ट कर दो, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करो। अब आपके पास मिनी ड्राफ्टर है, उसको क्या करो 45 डिग्री पे क्या कर दो, सेट करो और यहाँ पे रख दो ये ऐसे, और यहाँ से क्या कर दो ऐसे लाइन ले लो, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। चलो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से ये एंगल 45, ये स्केल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये हो गया 45 डिग्री पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 45 डिग्री पर, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, वैसे कम है लेकिन आप अच्छे से करना, ये डिस्टेंस कम हो गया, आप लोग अच्छे से मिला के करना ना, आप बिल्कुल अच्छे एंगल पे। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है तो एंगल नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है, मान लेना यहाँ तक ये डिस्टेंस 50 है, ठीक है। ये देखो ये प्रोजेक्ट हो गया, कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, ये लाइन पे, पहले एक्स वाई लाइन पे प्रोजेक्ट, एक्स वन वाई वन पे प्रोजेक्ट किए, उसके बाद 45 डिग्री पर, यहाँ से कितना हो गया ये 45 डिग्री पर, ठीक है, इधर की ओर प्रोजेक्ट कर दिए। अब क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, डार्क पेंसिल का यूज करो, फेंट पेंसिल का, हल्की वाली का, ये केवल आप अभी मिलाओ, डायमेंशन छोड़ो, ये अभी ऐसे मिला दो, जितने भी प्रोजेक्टर आ रहे हैं आपस में 45 डिग्री करने के बाद ऐसे आपस में मैच कराओ अभी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब ऑटोमेटिक आपका साइड भी बन जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया, क्लियर है, यहाँ से हमने केवल अभी यूज किया है क्या, फेंट पेंसिल हल्की वाली, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ इधर से, अब देखना स्टार्ट किया किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमको क्या दिखा, ये वाला डायमेंशन दिखा और ये दिखा। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो ये डायमेंशन कितना है 30 है, ये कितना है 40 है, तो ये हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो भी कितना हो जाएगा, ये 30, ठीक है, और ये कितना है 40। देखो ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट हो चुका है, ये 30 का डायमेंशन है। अब क्या यूज करो, आप डार्क पेंसिल यूज करो, ठीक है, और डार्क पेंसिल से इसको लाइन को क्या कर दो, डार्क कर दो, बस इसको हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ठीक, और डायमेंशन जितना भी है उसको डायमेंशन दे दो, बस हो गया काम, ठीक है। देखिए ये कितना है आपका 30, और ये यहाँ से जो प्रोजेक्ट हुआ है वो 40 बन गया। ये देखो, ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, हो गया, क्लियर है। देखो तो आपके पास एक डायमेंशन था, वो क्या पिक्टोरियल व्यू था, हमने उसका तीनों व्यू ड्रॉ कर दिया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू, पूरे डायमेंशन के साथ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, तब तक इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो।